राधा जामाई ठाक राधा जी ने जामाई ठाकुर तो इन्हीं की जो राजा जी बैठा है ना ये अच्छा राजा बनवाली राज बहादुर उसी की बिटिया के साथ भगवान का विवाह हुआ है। अच्छा ये राजा था ढाका बांग्लादेश तरास इसीलिए इन्हें जामाई ठाकुर बोलते हैं। ये राजा था ढाका बांग्लादेश पापना 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 डिस्ट्रिक्ट तरास स्टेट की फेजी बंदा उसी की कुछ बाल बच्चा नहीं था संतान कुछ नहीं था। ये ठाकुर जी जाए वहाँ पद्मा नदी से प्रकट हुई बांग्लादेश ये बांग्लादेश में प्रकट हुए हैं। ओ पद्मा नदी था ये पद्मा नदी नदी पे पड़े राजा को सपना दिए राजा ने राज पंडित जो अच्छा राम के साथ में लेके आया राजगुरु के उसको उठाया गया राजवाड़ी पे रखा है तरह स्टेट जो कचहरी था वो कचहरी पे रखे उनकी पत्नी ने रानी ने बड़े से बाप जागरी को मनाए भगवान को बड़े प्रसन्न पे रखे जमींदार तो था प्रसन्न पे रखी भगवान को प्रार्थना करे बोले प्रभु मेरे को कोई मुँह नहीं देख रहा है भारी दुखी है मेरे बाल बच्चा नहीं है आप यदि वृंदावन से आए कृपा करिए मेरी दुख सुने भगवान दुख सुने कृपा करो बिटिया हुआ है इसकी राधा विनोदिन। अच्छा राधा विनोदिन जब पाँच छः साल सात साल के हो गए तभी भगवान का साथ भारी प्यार मोहब्बत हुआ है इसकी दोनों का चक्कर पे फंस गए तो इसकी राजा के जो बाप था बूढ़ा बूढ़ा ने भाई बेटा को बोले अरे तीन चारी भाई तू थे किसी की संतान नहीं था तेरी के बच्ची हुआ है मेरी उम्र हो गया मैं मर कर जाऊँगा इसको दामद डाल दे शादी कराए दे मैं थोड़ा देखूँ मेरी मन प्रसन्न हो जाएगा। तो बाप ने दूसरा जो राजकुमार का साथ सगाई कर दिया गोद बोल दिया तब गोद बोल दिया इनकी इनकी बड़ा प्यार था सात साल आठ साल हो गया था जानकारी हो गया तो प्रभु ने सिखाई दी बने राधा विनोदन से बोले तेरी तो साधन शादी भी जाएगा तो ससुराल चले जाओगे तेरी मेरी तो प्यार मोहब्बत तो खत्म हो गया तेरी घरवाली सब तैयारी कर रहा है तेरी शादी हो जाएगा तो चले जाओगे ससुराल ससुर घर चले जाओगे तेरी मेरी आओ कुछ नहीं आई वो तो बच्ची है जानते नहीं है कुछ शादी के बारे में क्या साथ आठ साल का बच्चे क्या जानता है बार 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 तक वो कि सब बार जब कहेगी तो वही झालक हो जाएगा। हम बोलो ठीक कहा है प्रभु कहा कि तुम नाराज हो रहा है किसी को जैसे तुम बातचीत नहीं करता है मेरे साथ तीन चार दिन हो गया तुझे खेलते थे रोज जो खेलते थे आज खेलता नहीं बात नहीं करता मेरी भामर तो तुम्हारे साथ पड़ेगा तुम चिंता मत करो प्रभु कहे तेरी बाप माँ मानेगी नहीं जमींदार वही की राजकुमारी की पोती करे उन दिन आएगा भगवान कहे और तुम जानी तेरी काम जानी मैं सूचना दे दिया विश्राम कर दूसरा दिन वो लड़की मैया से पूछ रहा है और मैं सुना है तुम मेरी शादी कर रहा है बच्चा है शादी के बारे में कैसे जानता है उसका मैया ने जवाब दिया और तू बच्चा है शादी के बारे में कैसे जानता है कौन ने कहा है कोई तो बाल बच्चा कोई नहीं है बांधवी नहीं कोई सहेली नहीं कोई कह दिया नहीं तो कोई नारे प्रभु को आए थे मेरे को गए दादी को मैं जवाब दिया है मेरी कहा शादी हुआ है इनकी शादी बामर पड़ेगा तो इनकी शादी पड़ेगा मेरे को किसी शादी शादी करनी मत करना नारे तेरी बाप तो पक्का कर दिया वो तो बुला आएगा किसी को बताएगा इनकी बाप ने जानने लग गया बुढ़ा लड़की का बाबा बोले अरे तू मनुष्य है कि देवता को शादी करोगे भगवान से इतना प्यार मोहब्बत करता है ये क्या बात है हम तो पक्की कराए दूल्हा वो तो आएगा बरात नहीं किसी को निषेध नहीं होगा हमार ना कर जाएगा हम मना नहीं करूँगा जो ये तू क्या कहता है ना बाबा तुम नहीं जानते उसी से मेरी पक्की हो गया ना हमें इसे नहीं मानेंगे तू यदि पक्की कराए इतना प्यार करते हैं इसमें बोलना वो दूल्हा बन के आएगा मंडप पे बैठेगा बेटिया को कराए यदि इतना प्यार करता है उसको बोलना और दूल्हा बनी के वर्षा जी की आदि मंडप पर बैठेगा तो मैं तेरी बाप का बाप ये शादी करा दूँगा इसी के साथ तुम देखोगे दूल्हा बनी के आएगा हरि ग्रहण होगा लग्न समय पर आएगा लड़की जाए प्रार्थना कराए भगवान से प्रभु भगवान राजी हो गए फिर मैं जाऊँ मंदिर पे जाऊँ ठीक लग्न समय पे जाए पहुँचूँ भूई भाई वो बड़ा तो भूई बड़ा तो आया है नाम देगा।
जैसे यो दूल्हा मानव दूल्हा जैसे आया, ये दूल्हा बनी की बड़ा बनी की भगवान जाए पहले मंडप पे बैठे, दूल्हा पहले मंडप पे जा बैठे, सुनो मंडप पे जब बैठे तो बूढ़ा देखेगी भगवान से पूछ रहा है, बोले हे तुम कौन है? राजा करो मंडप पे जबरदस्ती बिना पूछे से उठते, कौन है तुम? दो तीन बार जब कहे प्रभु ने कहे बूढ़ा सुन, जिसको तू नदी से निकाला था वही हमें ना ही वृंदावन चंद्र, तू तो बड़े चढ़ी आए भाई, मेरी घर छोड़ी ले जाऊ तू, अब मेरी घर से यदि छोड़ी ले तो मेरी साथ बैठ के पहले हुक्का पी। अच्छा तो भगवान ने लड़की का लाज रखने के लिए बंदर को भरा दे दो, आगे पे बहुत बंदर है, तो बैठ के भगवान बाबा का साथ हुक्का पिए, राजा का बाप का साथ हुक्का पिए, वो लड़की आया फेरा लेगी, फेरा डाल भामर डाला, भामर दूल्हा सिंह पहुँच गया था, भगवान भी पहुँच गए, भगवान हुक्का पी गए और लड़की राधा जी ने गला पे माला डाला, माला डे भगवान के साथ तो उसी दूल्हा जी को वापस चला गया, उनका घर पर चला चला प्रकट हुए, सब दर्शन दिए, कही वो दादी तू क्यों दुआ पीटा कर रहा है, तेरी लड़की मेरी दादा अंतर को था, मैं अपने इच्छा से इसको ग्रहण कराए, मैं तेरी घर का जमाई हुआ है, मेरे को जमाई बाप से रखना और जमाई बाप से चुका कर, राजा को कहे तेरी बाप का साथ नहीं हुक्का भी आए, मेरे को भारी प्यारा लगा है, मेरे को रोज दो बार हुक्का भरी देना। अच्छा अब यहाँ का लीला समाप्त हो गया, मैं अब यहाँ नहीं रहूँ, मैं ब्रज का ठाकुर बन के जाऊँ, अब नहीं रहूँ। राजा रानी रोने लग गए, बोले प्रभु ये तो बड़ा गलत बात है, ना तुम चलो या मुसलमान पंडित हो जाएगा, तुम मेरा प्रसिद्ध नहीं है, या चलो तू मेरी चादर पर बात करो। तो राजा ने कहा महाराज इतनी धन संपत्ति इकट्ठा करने में समय लग जाएगा, हम जब ब्रज जाऊँ तुम कहाँ मिलोगे, ना तुम पति पत्नी आना, राधा कुंड में स्नान करी तीन बार परिक्रमा कर दे, जाना ही मिट्टी वहीं मिलेगी, बोले अंतर ध्यान हो गए, पीने राजा रानी आज दादा कुंड स्नान करे, स्नान करी तीन बार परिक्रमा करते कृष्ण कुंड उपरे दोनों खाई जाना ही मिट्टी दर्शन करे राजा रानी, पूछे प्रभु क्या करूँ सेवा तुम्हारी बता, ना हम जहाँ खाड़ी हुआ यही राजवाड़ी बना पाए यही रहूँगा, राधा कुंड कृष्ण कुंड उपर रहे राजवाड़ी है अभी वहाँ कुछ नहीं रहे, जंगल पूरा भाग बच्चा पैदा था राजा सब मोदी आदमी तो मेरी दुख ही हुआ है, मन मैंने कही तो नहीं जाएंगे कुछ, तो प्रभु मन का बात सब जानते पूछे, अरे अरे तू सब मोदी आदमी है तो रह जी आदमी है, जंगल अच्छा नहीं लगता है मेरी जिंदा बोली जैसे राधा विनोदिनी राजकन्या आए बीच में, राधा विनोदिनी स्वरूप वही हो चंदन विद्य बना हुआ है। अच्छा और दोनों पास दोनों सभी आए लड़ता है। अच्छा तो ये राधा रानी नहीं है, ये राजकन्या है, वो राधा राजकन्या है राधा रूप में, उसी को जो लेगी जाते हैं ना भगवान खेलने के लिए, तो खेलते खेलते दो तीन घंटा में थोड़ा सा परेशानी हो जाएगी, बच्चा तो ही है जो परेशानी हो जाते ना, वहाँ के चंदन पेड़ था भारी सुगंध आता है, एक मंडप है वहाँ, मंडप पे बैठ के बड़ा सुंदर खुश रहते थे, मस्त रहते थे दोनों, वही भगवान कहे बोले वही चंदन को लकड़ी के काट के लिए जाना, उसी से दारू मूर्ति राधा विनोदिनी स्वरूप बनाना, प्राण प्रतिष्ठा करके मेरे पास इतनी हाई भी था, इतनी दुगुनी मूर्ति भी था, ठीक ऐसी ही है पूरा। तो ये ठाकुर दिन में दो बार हुक्का पीते हैं? ओ, किस समय? राजभोग बाद में हुक्का पी ली, पान खाई फिर रात रात को फिर हुक्का पी, 9 बजे फिर आएगा तो थोड़ा चकाचक भोजन पानी हो जाएगा, फिर पान खाएगी फिर हुक्का पी ली, चक्कर सही हुक्का तो दोनों टाइम देना पड़ता है, बड़ा खतरनाक ठाकुर जी जामा ही है ना भाई, मेहमान है दामाद लोग थोड़ा सा रूठ ही जाता है हटा उनको थोड़ा आदर करके रखना, जामा ही भाप से सिखा होता है, ये तो बच्चा नहीं जी को पाल थोड़ा सा कुछ तिन्हरी भिनेरी मैखन भगवान मिश्री भिजली दे दिए भूल जाएगा, ये नहीं भाई खत्म आज एक नंबर भाई, दामाद लोग होते ससुर का माल खाने के लिए यारी। तो इनका नाम क्या है? राधा विनोद। अच्छा राधा विनोद जमाई ठाकुर की जय।